दोस्तों, प्राणायाम के वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारी नाक बंद रहती है तो हम किस तरह से प्राणायाम करें क्योंकि हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। तो उन कमेंट्स का अलग अलग जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि आप देखकर लाभ उठा सकें कि अगर आपकी नाक बंद है तो उस वक्त आपको क्या क्या करना है जिससे आप इजीली प्राणायाम कर पाएँ, आपकी नाक आराम से खुल जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 सिंपल और आसान तरीके जिससे आप तुरंत अपनी नाक को खोल सकते हैं और इजीली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योग जर्नी रीडिस्कवर योर सेल्फ। प्राणायाम यानी शरीर में प्राणों का संचार, फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी फ्लो हमारे नॉस्ट्रिल्स से होकर हमारे पूरे शरीर के अंदर होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो नॉस्ट्रिल्स से हम ब्रीदिंग करते हैं जब तक कि हमें स्पेसिफिकली मुंह से सांस लेने के लिए ना कहा जाए, और सांस लेने के वक्त अगर हमारी नाक बंद हो तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास ठीक से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम सब ने महसूस किया है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा कोई एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होता है, या तो राइट नॉस्ट्रिल से हम अच्छे से सांस ले पा रहे होते हैं या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और उसके पीछे पूरा का पूरा एक नाड़ी विज्ञान है योग शास्त्र में कि एट ए टाइम हमारी एक नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो है चंद्र नाड़ी और जो राइट नॉस्ट्रिल है वो है सूर्य नाड़ी। तो एक वक्त में हमारा एक ही स्वर ज़्यादा एक्टिव रहता है। हर एक घंटे में ये स्वर बदलता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है यानी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, तो अगले एक घंटे में सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। और कुछ पल ऐसे आते हैं पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में, जब दोनों नाड़ी एक्टिवेटेड है, यानी उस वक्त हमारी जो मेन नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी वो चल रही है। तो जब हमारी एक नाड़ी कम काम कर रही है उस वक्त हम प्राणायाम किस तरह से करें, यानी हमारा एक नॉस्ट्रिल बंद है तो उस वक्त हमें किस तरह से प्राणायाम करना है, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल से 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी नाक को खोल सकते हैं। पहला तरीका है नासिका शुद्धि करना, दूसरा तरीका एक्यूप्रेशर यूज़ करेंगे, और तीसरा तरीका जिसमें हम कुंभक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नासिका की शुद्धि कैसे करनी है, और ये नासिका शुद्धि हम सभी लोग कर सकते हैं। नाक बंद नहीं भी है तो भी प्राणायाम से पहले आप नासिका की शुद्धि करें, उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। देख लेते हैं किस तरह से करनी है, क्योंकि जब हमारे नॉस्ट्रिल्स क्लीन होंगे उसमें जितनी भी गंदगी जमा है वो बाहर निकल जाएगी तो हम इजीली सांस ले पाएंगे। तो आप इसके लिए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। 10 राउंड करते हैं हम लोग, शुरू करेंगे। कमर सीधी कर लें, इसी तरह से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग आउट करेंगे, फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। अब दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट करेंगे, शुरू करेंगे, आंखें बंद कर लें।
रिलैक्स। तो इस तरह से जब आप नासिका की शुद्धि करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा नेजल पैसेज क्लीन हो गया है और आपकी बंद नाक की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, और जिनको नाक बंद नहीं भी रहती है उनके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपके प्राणायाम के अभ्यास को 4 चांद लगा देगी, क्योंकि प्राणों का प्रवाह ईजिली हो पाएगा और आप ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो ये तो हुआ कि जो आपको रोज करना है। इसके बाद हमें करना है कि सपोज़ आप अभी प्राणायाम करने बैठे हैं और आपकी नॉस्ट्रल बंद है तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्यूप्रेशर। मान लीजिए अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद है तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से ये पोजीशन बनाएं और उसको अपने राइट आर्म पिट में इस तरह से रख देंगे, दबा देंगे, और ये जो पोर्शन है इससे आप आर्म पिट पर प्रेशर डालेंगे। तो ये करने से क्या होगा, हमारा जो राइट साइड है उसका कनेक्शन हमारे लेफ्ट साइड से होता है। तो हमारी जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल है, मान लीजिए आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद है तो आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो खुल जाएगी और आप इजीली सांस ले पाएंगे। इसी तरह से अगर राइट नॉस्ट्रल बंद है तो आप लेफ्ट आर्मपिट में इस तरह से ये पोजीशन करके आप प्रेशर डालेंगे, और अगर दोनों नॉस्ट्रल्स बंद हैं तो आप दोनों साइड्स में इस तरह से ये प्रेशर डालेंगे और इजीली आप देखेंगे कि विद इन 20 to 30 seconds आपकी नॉस्ट्रल खुल जाएगी। ये इंस्टेंट तरीका है। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है उसमें आप करेंगे कुंभक। कुंभक के लिए आपको क्या करना है, इन्हेलेशन करना है जो नॉस्ट्रल आपका खुला हुआ है उससे, और उसके बाद थोड़ी देर सांस को रोक कर रखना है। तो आप देखेंगे कि जब आप सांस होल्ड करते हैं तो थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद, आपको एकदम से कट से आवाज़ आएगी। आपके कानों पर प्रेशर पड़ रहा है, आपके जो ये नेजल सेप्टम है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो जब आप कुंभक लगा रहे हैं तो उस प्रेशर की वजह से वो जो सेप्टम है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आप इजीली सांस ले पाएंगे। कैसे करना है, मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रल बंद है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से इन्हेलेशन किया, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए। इस तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है। जब आपको लगे कि सांस नहीं रोका जा रहा है, अब सांस लेना है, उस वक्त आप इजीली इसको छोड़ दीजिए कुंभक को। तो आप एक ही बार ये कुंभक लगाएंगे तो आपको एकदम से आपको खुद महसूस होगा कि नॉस्ट्रिल हमारा खुल गया है। तो ये आप अभी कीजिए और अभी के अभी महसूस कीजिए, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ये इंस्टेंट तकनीक आपको कितना लाभ दे रही है। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों, जिससे आप अपने बंद नॉस्ट्रल्स को खोलकर प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। प्राणायाम से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, प्राणायाम कैसे करना है, मुद्राओं के साथ प्राणायाम किस तरह से किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप कैसे ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।